हेलो। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सबको आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। सर। यस सर। हाँ आवाज आ रहा है। अभी आप लोग 5 लोग ही हैं सिर्फ, सबको बता दीजिए। अभी बात होगी सबसे, सबको आपको बता देना है। वैसे क्लास होगी, अभी मैं एक टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ अभी आपको 5 लोगों को। मैं जिस तरह पढ़ा रहा हेलो। हूँ बताइएगा फिर बाद में कि आपको उस तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? ठीक है सर। तो आप लोगों को मैं बायोलॉजी में पढ़ा रहा था। चैप्टर कौन सा पढ़ा रहा था? लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहा था। लाइफ प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी खोल के रखना है। अगले बार एक नोटबुक खोल के रखना है। क्या करना है? किताब खोल के रखना, कॉपी खोल के रखना है। किताब तो मैं आपका किताब अभी आएगा ना, एनसीईआरटी का जो किताब है वो आएगा। ये एनसीईआरटी देख रहे हैं आप लोग, लाइफ प्रोसेस लिखा हुआ ऊपर। हाँ यस। हाँ हेलो। हाँ लाइफ प्रोसेस। हेलो। चैप्टर सिक्स। चैप्टर सिक्स है इसमें, लेकिन आप में चैप्टर वन था लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी। क्या चीज का बुक सर? बायोलॉजी। बायोलॉजी है ये, बायोलॉजी। दिख रहा है इसमें जो है न्यूट्रिशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? न्यूट्रिशन पढ़ाया था ना मैंने। हेलो। सर बोलो। न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया था। जहाँ जिसको आवाज नहीं मिले वो बताएगा कि हाँ सर मुझे आवाज नहीं मिली। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वाला न्यूट्रिशन जो है क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब, पहले न्यूट्रिशन का मतलब समझना है। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जब हम इंसान भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद जब उसका डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद जब वो पच जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और उससे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हमें मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन जो है दो तरह से होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सिर्फ दो प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। तो प्लांट्स जितने हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो अपना एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं? तो वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस करें। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। कार्बन के साथ और किस चीज के साथ क्या क्या जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन, कार्बन कहाँ से मिलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो सन से सनलाइट लेते हैं। अगर हम लोग H2O भी डालते हैं, प्लांट में क्या डालते हैं? H2O डालते हैं। प्लांट जो है क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरह से वो अपना कंप्लीट करते हैं। और भी होता है लीव्स में, प्लांट के लीफ में क्या पाया जाता है? प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है। हाँ सर। और प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल होता है और उसके साथ साथ एक एस्ट्रोमेटा भी होता है। क्या होता है? एस्ट्रोमेटा। क्या क्या होती है प्लांट के लिए?
एस्टोमेटा का काम क्या है? क्लोरोफिल का काम है कि जो है वो क्लोरोफिल का काम ये है कि वो क्या करती है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट्स होती है, क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, क्या करती है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, करने में हेल्प करती है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। आपको मैं व्हाइट बोर्ड दिखा रहा हूं, ठीक है, मैंने आपको दो चीजें बताया है, क्या बताया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा रहा हूं मैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला मोड क्या है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पहला मोड क्या है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा क्या था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कौन करता है ट्रॉफिक मोड ये प्लांट्स एनिमल ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में होता है जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस लेकिन हम इंसान हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम किसी और पे डिपेंड रहते हैं, हम अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए डायरेक्ट हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिशन का मतलब मैंने यहाँ बताया था, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन जब हम लोग भोजन लिए और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन में हम एक न्यूट्रिएंट लेते हैं, क्या लेते हैं न्यूट्रिएंट हमें कौन सा चाहिए, हमें मेन जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्या चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्षमता जो होती है किसमें होती है कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्षमता ये प्लांट्स में होती है, इंसानों में नहीं होती। ह्यूमन बींग कैन नॉट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इंसान नहीं बना सकता, बात समझ में आ गया कौन बना सकता है प्लांट्स बना सकता है प्लांट्स इसलिए वो क्या होते हैं इसलिए वो लोग प्लांट्स क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हम क्या होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है ना। प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जिसमें C6H12O6 बनाते हैं, लेकिन हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारा हम लोग प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, इसलिए हम हेटरो बोलते हैं। हेटरो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब खुद से न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे, और हेटरो का मतलब दूसरे पे डिफरेंट, हेटरो मींस डिफरेंट यानी दूसरे पर सोर्स दूसरों पे जब हम डिपेंड होंगे तो क्या होगा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो एनिमल्स खुद प्लांट से भी न्यूट्रिशन करते हैं और एनिमल्स से भी, दूसरे एनिमल्स से भी, यानी हम लोग क्या क्या खा लेते हैं, हम लोग प्लांट से अपनी सब्जियां ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्लावर्स ले लेते हैं, सिमिलरली और क्या कर सकते हैं हम एनिमल से, बल्कि एनिमल से भी हम मिल्क लेते हैं और एनिमल का और भी अदर एग्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं सबको, किसी को कोई दिक्कत? हेलो जी, नहीं सर, नहीं। कौन कौन सुन रहा है अभी, राहुल, सचिन, नीरज, सर सब सुन रहे हैं ना, दिलीप कहाँ गए, दिलीप यस सर,
मालूम नहीं था। ये ऐसा क्लास है जिसमें आप सभी को प्रेजेंट अपने मन से, आप सभी को प्रेजेंट अपने मन से पढ़ना है, गायब नहीं होना है। मन में आ रही बात है? ठीक है सर, ऑफ कर लेगा। आवाज कट कट क्या रहा है? आवाज सर का आवाज कट कट क्या रहा है? तो इस तरह से आप लोग जो भी हम नोट्स दे हम आपको, उसको क्या करना है कि लिखते भी रहना है, ठीक है ना? जैसे मैं लिखवाया, आपको क्या करना है? सर आवाज क्यों कट कट के आ रहा है? आवाज आपका नेट प्रॉब्लम है? नेट का प्रॉब्लम है, एयरटेल हम कल से जोड़ेंगे इसमें, ठीक है? तो जो भी है अभी अभी उस पे काम चलाना है। आज एकदम आज ट्रायल वर्जन था, क्या था? आज ट्रायल था, ठीक है ना? स्टाइल था। आज आप लोग बस ऐसा समझिए कि इस तरह से अगर आपकी पढ़ाई हो, दो दिन अगर आपको घर पे बैठना पड़े, तो खाली नहीं बैठना है, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है? हेलो, हाँ हाँ दिलीप बोलो। हमारा वीडियो नहीं आ रहा है? हाँ सर, आवाज क्यों कट कट कह रहे हैं? नेट का प्रॉब्लम है, बाकी स्पष्ट आप सुनेंगे। आज का प्रॉब्लम है, अगले दिन का प्रॉब्लम नहीं होगा। जा रहा है अब वीडियो है? हाँ सर बोलिए। सबको दिख रहा है जी स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है? हाँ सर। नहीं, जो मैं लिखा हूँ दिख रहा है? हाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो बस ये चीज देखना है, इसके बाद में आपको अगर इस पे असाइनमेंट सेंड कर दूं आपको व्हाट्सएप पर। क्यों हल्ला कर रहे हैं? हम कहाँ हल्ला कर रहे हैं यार? थोड़ा देखो, संभाल के अभी मेरे पास है, हम बंद कर देंगे वीडियो, बंद हो जाएगा, सबको रिमूव कर सकते हैं, इसलिए फालतू मत करना, पढ़ाई करना है इसमें। इसमें समझो इतना बड़ा महामारी है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास पहुंच के किसी न किसी माध्यम से पढ़ाया जाए, आपका पढ़ाई नुकसान ना हो। इसमें आप सभी ठीक है सर, ये ना कि जो है अपना समय बर्बाद करें, समय तो मैं ये कह रहा हूँ व्हाट्सएप पर ही नोट भेज दिया जाएगा, असाइनमेंट भेज दिया जाएगा, उसको आप पढ़ना है। आपके पास किताब पहुंच गया बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंच गया हम आपको व्हाट्सएप पर नोट नोट सेंड करेंगे, आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, नहीं पढ़ना है टॉपिक पूछना भी, ठीक है? या एक ओके सर, ओके सर। एक ऑप्शन ये भी है कि हम आप इसको लिख के भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिख के भी आप जो है इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, लिख के भी बातें कर सकते हैं, कर सकते हैं आप इस पे चैट कर सकते हैं। मैं चैट नहीं कर सकते हैं, मैं आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मैं वॉइस बंद कर दूं, आवाज ना हो, शोर ना हो, आप अपनी बात क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख भी सकते। कोई प्रॉब्लम है उसको रखना है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको लिख के रख सकते हैं तो ज्यादा सही है, चैट में जाके क्या कर सकते लिख सकते हैं। मैं अभी सब कर रहा हूँ, सबके ठीक है सर, सिर्फ मेरी आवाज आपको आ रही होगी मुझे पता है। तो आप अब जो है कोई भी बात यहाँ पे चैट में जाके क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप सभी को आवाज आ रही है, तो आप बोलिए, आप इस पे मैसेज कीजिए तो हाँ आ रही है, हाँ आ रही है, ऐसे करके मैसेज सब कीजिए। कुछ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, अभी मैं टीचर्स को इसके लिए ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे वो भी पढ़ा सकते हैं ये ऑनलाइन क्लासेस, आप बिना किसी के घर पहुंचे, बिना जो है किसी को बुलाए आप पढ़ा सकते हैं।
सब मैसेज करें, सारे लोग मैसेज करें कि जो है आवाज आ रही है। यस, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस माध्यम से मैं सोच रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे कि इंस्टॉल करके रखेंगे। मैं टाइमिंग दे दूंगा फिर से, 10:30 बजे से नहीं, अब सुबह में मैं सोच रहा हूँ 8 बजे आपको शुरू। सुबह में 8 बजे नेट की कनेक्टिविटी सही रहती है, फास्ट रहता है नेट, तो सुबह 8 बजे आप लोग तैयार रहें। और जो लोग को ये नहीं समझ में आया है, गांव में हैं आप, तो उसको ले जाके समझाइए, आपकी जिम्मेदारी है, अच्छी बात है। आप जाएंगे समझाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप जाके थोड़ा सा समझाइए उन लोगों को कि जो है ऐसे ऐसे हैं। आप चाहते हैं वीडियो ऑफ करना, मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा। आप जरूरी नहीं है कि आप सब लोग दिखें, कपड़ा वपड़ा नहीं पहने हैं तो आप कहेंगे कि सर वीडियो मेरा बंद कर दीजिए। जैसे मान लो कि कौन है, सब तो पहन गए जी कपड़ा, अभी लिखा है अहिर सचिन यादव, मान लो इसको हम बंद करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, बुरा नहीं मानना है, इसका हम वीडियो बंद कर देंगे, स्टॉप वीडियो कर देंगे, तो दिखेगा नहीं, वो देख सकता है, आप मुझे देख सकते हैं, सर राहुला है ना घूम रहा है, इसको बंद करना है हमको, ऐसे हम इसको स्टॉप वीडियो कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। मन में आ रहा है? अब आपका वीडियो नहीं दिखेगा, फोटो जो आप प्रोफाइल में लगाए हैं वही दिखेगा, ठीक है। तो आप सभी मैसेज करें यदि आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि हाँ अच्छी चीज है पढ़ना है, तो एक बार मैसेज कीजिए हमको कि जो है कि सर ठीक है 8 बजे हम प्रेजेंट रहेंगे। यस सर मैसेज कीजिए, तो 5 लोग यस सर मैसेज कीजिए। गीता मैडम के यहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं, मैसेज करें मैडम। 40 लोग इस पे 40 लोग जुड़ सकते हैं। राहुल का आ गया, यस सर, हाँ चलो वेरी गुड। गीता मैडम मैसेज कीजिए नीचे में, जो भी बच्चा है या गीता मैडम है, जो लोग भी हैं इस पे मैसेज करें। एक टॉपिक मैं अभी फिर पढ़ाऊंगा, मैंने अभी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिशन जो है कितने तरह के होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया आपको। इसके बाद जो है मैं एक टॉपिक और देखता हूँ और एक चीज मैं पढ़ा देता हूँ। आप कल से क्या करेंगे कि मैं टॉपिक पहले दे दूंगा, आप किताब खोल के रखेंगे, किताब है नहीं है तो आप जो है उसको क्या करेंगे कि जो है नोट्स के लिए आप कॉपी खोल के रखेंगे, और जो भी टॉपिक होगा मैं उसका नोट्स कोशिश करूंगा आपको मैं भेजूं, ठीक है, नोट्स भेजूंगा आपको। नोट्स पे क्या करना है कि जो है क्लिक करना है। सब ऑडिबल हैं, सब सुन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अनम्यूट करूं मैं सबको। सबकी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है सर। यहाँ से म्यूट अनम्यूट सब है, इसलिए जो है आप लोग उसको ये करके रखें, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक और जो है चैप्टर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आधार में जो है ना, घर में इसको भी मेरी आवाज सुनाई दे रही है, सुनिए वो, घर में जो है एकांत में बैठे अकेले जो है जाके कोने में कहीं बैठ गए, सबका आवाज बंद कर दीजिए, बंद कर लिए देंगे तुम्हारा जैसे बंद किया, बंद हो गया। मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूट्रिशन में, आप इसको ध्यान से सुने। जी दिख रहा है आप लोगों को? मैं जो किताब खोल रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं ये बताइए, ठीक है, उससे मैं कोशिश कर रहा हूँ।
दिख रहा है सभी को? यस सर। इसमें मैंने न्यूट्रिशन बता दिया है, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दिखाया है सिंथेसिस का, तो जरा ध्यान से देखिए। सर ऑफ कर दीजिए, ये वाला रिएक्शन है, ये दिख रहा है सर। माइक को ऑफ कर दीजिए, ज्यादा हल्ला हो रहा है ना। नहीं सर, इधर फोटो दिखाई दे, केवल फोटो दिखाई दे। वीडियो भी ऑफ कर दीजिए सर, नहीं लोग का। सर बंद कर दीजिए ना ये वीडियो। हो गया बंद, सबका हो गया। इसमें जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो वो चीज समझिए इसको जरा। बात हो तो आप मैसेज कर देंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है सिर्फ फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, या न्यूट्रिशन उनकी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। हम लोग CO2 देते हैं और जो है H2O डालते हैं नीचे से। क्लोरोफिल प्लांट्स में होते हैं, पौधों में, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल उनके लीव्स में पाए जाते हैं, और वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है स्टोमेटा, और फिर से जो है, बल्कि क्लोरोफिल ही जो है क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और स्टोमेटा क्या करता है कि ट्रैप करता है CO2 को, ये ग्लूकोज बनाते हैं, या कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हम लोगों में क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स या अदर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, तो हम लोग जो न्यूट्रिशन है उसको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस चैप्टर में मेन फिजियोलॉजी पढ़ना है, यानी चार पांच चीजें पढ़ना है। मैंने पढ़ा दिया था, समझाया भी था, तो फिर से मैं समझा रहा हूँ। ह्यूमन बींग में जो न्यूट्रिशन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था, इसको मैं जूम करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम सबको दिख रहा है? इसमें जो है, इस डायग्राम को समझिए एक बार, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। क्या क्या है इसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस। तो एलिमेंट्री कैनाल आता है, और क्या आता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ में टंग होता है, टंग के बाद इसोफिगस में खाना जाता है, फिर स्टमक में, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो है, उसके बाद क्या होता है कि जो है खाना लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर एनस में जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। और इसके साथ साथ तीन चीजें लगी होती हैं, मुंह में जो है सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, और स्टमक के साथ दो ग्लैंड्स लगे हुए, लीवर और बाइल डक्ट, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज, दो चीजें हैं, पेनक्रियाज दिख रही हैं स्टमक के नीचे, यहाँ पे पेनक्रियाज दिख रही होंगी आपको, मैं इसमें पॉइंटर ले लेता हूँ,
यहाँ पे आपको पेनक्रियास दिख रहा होगा, पेनक्रियास है ये, और ये क्या है, लीवर है। लीवर और पेनक्रियास ये दो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, हम खाना लेते हैं, उसको क्रश करते हैं टीथ से, टंग से मिक्स करते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद जो है ये, मतलब मैंने बताया था आपको टीथ के भी फंक्शन दो काम होता है, एक मतलब चार तरह के टीथ जो होते हैं, पहले कटिंग करते हैं, फिर जो है टीयरिंग करते हैं, और उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग के बाद जो है अच्छे से उस खाने को च्यू करने के बाद ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद खाना बोलस बन जाता है, फूड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो इसोफेगस के माध्यम से ये क्या होता है, फूड अंदर आता है और स्टमक में जाता है, स्टमक में कुछ देर स्टोर होता है, स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और उसके साथ साथ जो है ये आपको बाइल डक्ट, मतलब लीवर जो है बाइल जूसेस बनाता है, बाइल जूसेस बाइल डक्ट के माध्यम से स्टमक में जाता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस बनाता है। तो ये कुछ केमिकल्स स्टमक में पेट में होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आपका खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे मेन काम एब्जॉर्प्शन का होता है, और उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एनस के थ्रू होके वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये रहा जो है आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने बताया था यानी सांस लेने का प्रक्रिया क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है मैंने बताया था आपको कि जो है खाना, जैसे मान लीजिए कि जो हम सांस लेते हैं वो किस तरह आखिर लेते हैं, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में अंतर है। रेस्पिरेशन मैंने बताया था आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज नॉट ओनली कि ऑक्सीजन हम लोग ले लें और फिर जो है हम अपना काम हो गया, नहीं। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि अच्छे से जो है हमारे जो मैंने फूड लिया है उसका ऑक्सीडेशन हो, फूड खंडों में टूटे और टूटने के बाद क्या हो, उसका ऑक्सीडेशन हो, उस फूड का यूटिलाइजेशन हो, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में देखो इसमें लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़ने की चीज है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। यानी रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हमने ग्लूकोज खाया है या तो बनाते नहीं हम लोग, खाते ही हैं किसी फूड के माध्यम से, फ्रूट के माध्यम से, उसका ब्रेक डाउन है किस चीज में, CO2 और वाटर में और एनर्जी में। तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है वो क्या होता है उसका, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ये रेस्पिरेशन करेंगे या ग्लूकोज का टूटना होगा तो उसे क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं रहता है लेकिन ग्लूकोज टूटता है, उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन हम कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जो है कैसे, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर करें, हमारे मसल्स करें तो क्रैम्प्स होते हैं, यानी दर्द शुरू हो जाता है। हमने बताया था कि जब हम ऑक्सीजन, जैसे रेस्पिरेशन जो होता है सिर्फ हम फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंचाते, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाते, बल्कि हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, क्यों, क्योंकि हर सेल में जो है ग्लूकोज होता है, हर सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होना होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो है ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से ब्लड में मिक्स होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, फिर हर ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचता है, हर सेल में पहुँचता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी और जब जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन हम वहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन चाहिए तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होगा, उस सेल में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, देखो लिखा है व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसको स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इन आवर मसल्स, लिखा है ना, इन आवर मसल्स
another pathway for the breakdown of pyrite is taken. धीरे धीरे आपको ये सब चीजें सही से बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड बनता है जिसके वजह से हमारे मसल्स में काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। एटीपी के बारे में बताया था कि एनर्जी जो हमारे बॉडी में स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है ना। एनर्जी जो हमारे बॉडी में स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। हम एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर जब जैसे जरूरत होती है एटीपी टूटता है किस चीज में, एडीपी प्लस टी में। यानी एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी तीन फॉस्फेट ग्रुप जुटा तो एटीपी बना। फिर एटीपी जब टूटेगा तो दो एडीपी रहेगा और एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा। तो जैसे टूटेगा ना तो ऐसे एनर्जी लिबरेट होगा, दिख रहा है ना, एडीपी प्लस पी एनर्जी निकल रहा है और एडीपी बन रहा है। फिर एडीपी में डाई फॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, फिर एएमपी बनता है। तो इस तरह से एक बार एटीपी जब टूटता है तो 30.5 केजी पर मोल एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, तो इसको फिर कल से हम लोग जो है इसको रिज्यूम करेंगे। और मैं कोशिश में हूँ, मैं अभी आप सबसे बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश में हूँ कि जो है आप सभी जो है इससे जुड़े। एक मिनट, मैं सबको अब सबकी आवाज सबको सुनाई देगी। मैं ये कोशिश करूँ कि आप सब सभी लोग प्लीज शांति में खाना बंद करो। यस, आप सभी लोग, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पढ़ाना बंद कर दिया मैंने, समझे इसको। तो आप सभी लोग जो है क्या करेंगे कि समय जब भी मैं दूंगा, किसने क्या पूछा सर, माउथ में क्या होता है, कौन है सर, मैंने पूछा है, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है सर, माउथ में कुछ ये होता है क्या जो मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है सलाइवा को छोड़कर? सलाइवा को छोड़ के सलाइवरी ग्लैंड, ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में एमाइलेज होते हैं, कोई एंजाइम, वही तो मैं बता रहा हूँ, एंजाइम ही एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है जो सलाइवा में ही होता है, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। स्टार्च होता है ना, स्टार्च फूड में जब हम ग्रीन फूड्स खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। अभी आपके पास सिर्फ एक मिनट 30 सेकंड है, तो इसमें हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए। हम आपकी क्लासेस जो है ऐसे ही कराना चाह रहे हैं और सारे सब्जेक्ट की कराना चाह रहे हैं। इसमें सबसे जरूरी है आप अपना नेट जो है 4G हो, आप अपना जो है नेट सही रखें। समय जब भी हम दें व्हाट्सएप ग्रुप को भेजें या ग्रुप पे नहीं, हम सबको इंडिविजुअली जब हम भेजें कि इतने समय में रहना, उस समय में आप रेडी रहें। समझ में आ रहा है, घर पे और कोई काम तो है नहीं, ना बाहर जाना है ना कुछ करना है, इसलिए आप लोग उपस्थित होकर अपने पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। और जो लड़के नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको जुड़ने का काम आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें कि उनको वो जुड़े। आपको मैंने मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन रिस्पांस नहीं है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जुड़े, ठीक है ना। आप कोई क्वेश्चन किसी को पूछे? सर हाँ बोलो। नहीं सर बोलो। डायग्राम क्या होता है? डायग्राम क्या होता है ये कल मैं बता दूंगा आपको। अभी पढ़ाने के रिलेटेड कुछ पूछो, जो मतलब कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, ये पूछना है, समझ में आ रहा है पूछो, वरना सब मैं आज व्हाट्सएप पे आपको दे दूंगा। सिर्फ 40 मिनट के लिए ये वीडियो स्टॉपिंग अभी खत्म हो जाएगी, 20 मिनट में मैं खत्म कर, कल मैं समय दूंगा 8 बजे आपको, 8 बजे रहना और मैं सबको सब 8 बजे कल। यस सर। चलिए ठीक है, गुड बाय, सी यू टुमारो। बस बस बाय।